कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही प्रियंका गांधी रसोई गरीबों के बीच खूब लोकप्रिय होती जा रही है। कई दिनों से इस रसोई के जरिए बेरोजगार हो चुके गरीबों को खाना वितरण किया जा रहा है। शहर के दूरदराज इलाकों से बड़ी संख्या में गरीब ग्वाल टोली स्थित कैंप में पहुंचकर भोजन ले रहे हैं। पैकेट बनाकर भी अलग अलग मोहल्लों में खाना बांटा जा रहा है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी की अगुवाई में चल रहे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के इस संकट में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति कानपुर में भूखा न सोए। इनके निर्देश पर लगातार प्रियंका रसोई चलाई जा रही है। रसोई के जरिए हजारों गरीबों को खाना उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। किचन चला रहे हैं, क्या उद्देश्य? ये प्रियंका रसोई है और ऐसे मौके पर मुझे जनता के साथ जहाँ वो दर्द से कराह रही है, रो रहे हैं लोग, तो उनपे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक मरहम उनके साथ जो तीमारदार अस्पतालों में भर्ती हैं, जो तनाव में अपना जीवन, वो खाना ढूंढने होटलों में जाते हैं, अगल बगल देते हैं, उनके परिवार के लोग गाँव से आए हैं, तो उनके लिए ये सोनी प्रियंका रसोई जो है यहाँ पर हमारे कांग्रेस जन, कानपुर का सारा कांग्रेस जन अपने सहयोग से ये प्रियंका रसोई चला के खाना पैक करा के फिर हैलट उर्सला और काशीराम हॉस्पिटल में जो तीमारदार उनको और जो ज़रूरतमंद स्टाफ है उनको लगातार आज चौथा दिन है उनको खाना उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पीपी किट पहन के जाते हैं, खाना उनको देते हैं, पानी देते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं, ज़रूरत पे उनको मास्क देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये संदेश है कि कांग्रेस आए या ना आए ये मेरा सवाल आज का नहीं है। इस देश में लोग जिंदा बचे रहें ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का है कि लोग जिंदगी बचानी, हमें लोगों को बचाना है, कांग्रेस के लिए नहीं, हमें लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए प्रियंका जी कह रही। काम करने टाइम सब भूल जाइए, चुनाव राजनीति सब भूल जाइए, कितना आप अपने को बचा के सेवा भाव से लोगों की ज़िंदगी के साथ खड़े हो सकें, प्रियंका रसोई का यही संदेश है। और महानगर कांग्रेस कमेटी सबसे निवेदन कर रही है कि इस महायज्ञ में अपना सहयोग, अपना योगदान करें, अपनी आहुति दें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।